हे गाइस, टोल की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टाउन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक गोस्ट टाउन बनने की कतार पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ इलाके में आए हुए विटेनोम टाउन के बारे में। दोस्तों, ये बात है वर्ल्ड वॉर टू के पहले की, जब ऑस्ट्रेलिया अपनी ज़रूरियात का एस्बेस्टोस साउथ अफ्रीका एंड कैनेडा से मंगाया करता था। उन दिनों में एस्बेस्टोस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल थी, क्योंकि एस्बेस्टोस एक फायर प्रूफ मटेरियल थी, इसीलिए इसका उपयोग व्हीकल्स ब्रेक की लाइनिंग में, इंसुलेशन के लिए, थिएटर के पर्दे बनाने के लिए और फायर फाइटर के क्लोथ्स भी एस्बेस्टोस से बनते थे। वैसे तो इंसान एस्बेस्टोस का उपयोग काफ़ी सालों से करते आया है, लेकिन इटली ने पहली बार 1868 में एस्बेस्टोस का एक कमर्शियल मार्केट खड़ा किया और वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने लगा। इटली के बाद 1878 में कनाडा और साउथ अफ्रीका एस्बेस्टोस के इंटरनेशनल मार्केट बने, जो दुनिया में काफ़ी सारी जगह पे एस्बेस्टोस सप्लाई किया करता था। और ऑस्ट्रेलिया भी उसी कंट्रियों में से एक था जो एस्बेस्टोस साउथ अफ्रीका और कनाडा से खरीदा करता था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही बड़ा एस्बेस्टोस का भंडार मिला, और वो एक आशीर्वाद से कम नहीं था। 1947 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार विटनूम में एस्बेस्टोस की खदान शुरू कर दी। खदान शुरू होने से पहले विटनूम एक ऐसा इलाका था जो इंसानी बस्ती से काफ़ी दूर होता था। 1951 में पहली बार विटनूम को एक छोटा टाउन रजिस्टर कर लिया गया, और उन साल उस टाउन में 150 से ज़्यादा घर थे। उन घरों में से ज़्यादातर लोग वहाँ की खदान में काम करते थे, वो वहाँ के माइनर्स थे और उनकी फैमिलीज वहाँ रहा करती थी। 1947 से लेकर 1956 तक का ये टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए था एक प्राइम टाइम। उसी सालों के दौरान खदानों में से 20,000 टन से भी ज़्यादा एस्बेस्टोस निकाला गया था, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया बना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट। वैसे एस्बेस्टोस रंगहीन होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वितनों में पाए गए इस एस्बेस्टोस का रंग था ब्लू, और इसी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया को इस खदान की वजह से बहुत फायदा हुआ, लेकिन यही खदान अब ऑस्ट्रेलिया के लिए अभिशाप बनने वाला था। 1966 में पहली बार वितनों का हेल्थ रिपोर्ट जारी किया गया। उस हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 1,000 से ज़्यादा लोग लंग कैंसर से मारे गए और सैकड़ों लोग अभी लंग कैंसर से पीड़ित थे। वैसे एस्बेस्टोस एक माइक्रोफाइबर रिलीज करता है, और वो माइक्रोफाइबर इंसानी फेफड़े में जाके एक हार्ड वॉल क्रिएट करता है। इसी वजह से इंसानी फेफड़ा इजीली श्रिंक और एक्सपांड नहीं हो पाता, और इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एस्बेस्टोस से होने वाली बीमारी का नाम है एस्बेस्टोसिस, और एस्बेस्टोसिस आगे जाके कैंसर में भी बदल सकती है। 1966 में ये खदान ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ की ज़मीनें, खेत और घर की छत, हवा, सब कुछ पॉल्यूट हो चुका था। सब कुछ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था। इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लोगों को वहाँ से निकल जाने की सलाह दी। उस साल काफ़ी लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ लोग इतने ज़िद्दी थे कि वो नहीं निकले। साल 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने टाउन लिस्ट में से विटनूम को निकाल दिया। सभी फैसिलिटीज़ जैसे कि पानी, बिजली, सब फैसिलिटी बंद कर दी गई। रोड साइंस निकाल दिए गए, उसे हजार्ड एरिया डिक्लेयर करके डेंजर जोन बना दिया गया। साल 2018 में इस टाउन की टोटल पॉपुलेशन है 3 लोगों की। यहाँ आज इस टाउन में 3 लोग रहते हैं, और जल्द ही यह टाउन गोस्ट टाउन बनने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की थी विटनूम की स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।